वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डीपीएस कार्स की कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने खड़ी है टाटा की सफारी और ये रहने वाला है सफारी का प्योर प्लस वेरिएंट विद सनरूफ के साथ में। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर कर देती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो यहाँ पे आप चेक करोगे इस मॉडल के अंदर आपको जो है एंड टू एंड कनेक्टेड डीआरएल देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ तरीके की लुक में आपको दी गई है, प्रॉपर जो है एक एज से लेकर के आपको दूसरे एज तक जो है कंप्लीट मिलने वाली है। इसके अलावा हेडलाइट सेटअप की बात किया तो यहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड हेडलाइट जो है वो ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो ऑफर करी गई हैं। फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती। इसके अलावा अपर ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, जिसमें सेंटर में लोगो आपको मिल जाएगा, और लोअर ग्रिल भी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, जिसमें आपको लोअर पार्ट के ऊपर सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो प्रोवाइड करी गई है। साइड पोर्शन से बात करें, कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पे क्या कुछ रहेगा, सबसे पहले एलॉय व्हील्स आते हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर, जो कि आप देख सकते हो सिंगल टोन के साथ में है। एमआरएफ वंडर का जो टायर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। टायर सेक्शन रहने वाला है 235/65 R17 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाती है, जबकि रियर में चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो अगेन डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करी गई है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। सफारी की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आउटसाइड रियर व्यू मिरर देखेंगे तो ये अपने रहने वाले हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। इसके ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाते हैं, और ये जो मिरर है दोस्तों ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दोनों फीचर के साथ आते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी को लॉक करके, तो ये मिरर जो है वो अपने फोल्ड हो जाएंगे। गाड़ी को मैं अनलॉक करूँगा, मिरर जो है वो अपने अनफोल्ड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा बॉडी लगे ही डोर हैंडल्स आते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिल जाता है। रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रूफ रेल जो है ब्लैक कलर की प्रोवाइड करी जाती है कुछ इस तरीके की। इसके अलावा यहाँ पे अपना शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो मिल जाता है, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है। बैक पोर्शन से बात करें कि यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, तो कार का कंप्लीट रियर व्यू जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर स्पॉइलर जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट जो है वो दी गई है। रियर विंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पे रियर वाइपर मिलेगा, डिफॉगर वगैरह जो है वो आपको नहीं आता, और वॉशर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे अपना रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको मैंने फ्रंट में दिखाई कनेक्टेड डीआरएल, उसी तरीके से आपको रियर में भी जो है वो कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये भी अपनी जो है वो एच टू एच आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी लोगों के ठीक नीचे आप यहाँ पर चेक करोगे कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। सफारी की प्रॉपर बैजिंग आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लैक कलर का आपको बंपर मिल जाता है, जिसमें आपको दो पॉइंट पार्किंग सेंसर्स हैं, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो प्रोवाइड करी गई है। इसी के साथ रियर रिफ्लेक्टर की जो प्लेसमेंट है वो आपको इस साइड में देखने को मिल जाती है। दोस्तों मूव करते हैं कार के इंटीरियर में, तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिल जाएगा, इसको प्रेस करके गाड़ी को आप अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों कार के इंटीरियर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इंटीरियर जो है वो डुअल टोन के फिनिश के साथ मिल जाएगा, जहाँ पे ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज किया गया है। पहले हम डोर पैनल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश मिल जाएगा। ऊपर की तरफ ब्लैक पोर्शन है, नीचे की तरफ बेज पोर्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट है, इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से सिल्वरिश या ग्रेश इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। सॉफ्ट टच फैब्रिक फिनिश जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कंप्लीट पोर्शन आपको फैब्रिक फिनिश के साथ मिल जाता है। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ है। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ आते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आप यहाँ पर चेक करोगे, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में एडजस्ट कर सकते हैं, और फोल्ड एंड फोल्ड का जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स के अंदर अपना बॉटल होल्डर, न्यूट्रिटी स्पेस और अमेरा होल्डर की जगह मिल जाती है। स्पीकर की प्लेसमेंट दरवाजों में रहेगी, और यहाँ पे आपको जो है एक अपना पटल लाइट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। साइड एसीमेंट सिल्वर फिनिश के साथ रहेगा। यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, सिल्वर इंसर्ट अगेन, और नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पे आपको बेज इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बैठ चुका हूँ इस कार के ड्राइवर वाली सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो अपना डी कट शेप के साथ स्टीयरिंग व्हील जो है वो रहने वाला है। कंप्लीट लेदरेट फिनिश के साथ रहेगा। इस तरफ आप देखोगे तो स्टीयरिंग पे आपको एमआईडी और क्रूज कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल्स के बटन्स हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे सेंटर में टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल टॉगल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर के टॉगल्स मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स आते हैं, क्योंकि अपना ऑटोमेटिक वाला वेरियंट जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस स्टीयरिंग व्हील को जो है वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका फीचर मिल जाएगा, और टेलीस्कोपिक का जो फीचर है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। बात की जाए अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप चेक करोगे
इस साइड में आरपीएम मीटर है, इस तरफ स्पीडो मीटर, सेंटर में आपको एमआईडी स्क्रीन जो है वो मिल जाती है जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑफर करती है। जैसे कि अभी इस वाली गाड़ी के अंदर सिटी मोड जो है वो लगा हुआ है तो सिटी की इंडिकेशन आपको मिल जाएगी। बाकी मोड वगैरह आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। बाकी किलोमीटर्स कितने हो चुके हैं वो बताता है, ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह जो है वो आप यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन लाइक व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, मीडिया और नोटिफिकेशन वगैरह सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सेंटर में बात करें तो यहाँ पे अपने 10.25 इंच की अपनी स्क्रीन आ जाती है जो कि आप चेक कर सकते हैं, और ये रहने वाली है अपनी कंप्लीट फ्लोटिंग टाइप की। किस तरीके का इंटरफेस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। कुछ तरीके से कंप्लीट अपना ये रहने वाला है। इसके अंदर पार्क असिस्ट वगैरह जो है वो आता है, तो रियर व्यू कैमरा वगैरह किस तरीके का आपको आउटपुट ऑफर करता है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये अपना रियर व्यू कैमरा का रिस्पॉन्स जो है वो रहने वाला है, और सेंसर्स भी आपको जो है ये बताता है कि कितना कुछ पीछे आपको जगह जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये ग्रेज फिनिश जो है वो आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ एक 45 वॉट का जो है चार्जिंग पोर्ट है, और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिया गया है। फोन स्टोरेज के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ मोड्स वगैरह के जो ऑप्शन है वो आ जाते हैं, जैसे कि अभी आप नॉर्मल मोड पे देख रहे हैं। इसमें आपको एक जो है एक वेट मोड मिल जाएगा, रफ रोड मोड, ये रफ रोड एक्टिवेटेड, तो ये रफ रोड मोड जो है वो रहने वाला है, और ये अपना वेट मोड ये आप चेक करें, वेट मोड इज एक्टिवेटेड। तो टेरेन मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करोगे स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ये स्पोर्ट मोड जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्पोर्ट की प्रॉपर बैजिंग है, और यहाँ से अपना इको और सिटी आएगा। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो तीन मोड आते हैं बेसिकली, इकोनॉमी, सिटी और अपना एक स्पोर्ट मोड इस साइड से। और यहाँ पे आप देखोगे तो टेरेन स्पोर्ट मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वेट मोड मिल जाएगा ये वाला, और एक रफ मोड जो है वो मिल जाता है। ये है अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसका गियर लीवर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक लीवर जो है वो आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर है, और ये आप चेक करोगे कुशनिंग के साथ जो अपना आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके नीचे आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर भी एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, और यहाँ पर भी एक 5 वोल्ट का और एक चार्जिंग यूएसबी पोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर आते हैं ड्राइवर साइड जो अपना सनराइजर है उसके अंदर आप जो है ये ब्लैंक देख सकते हैं। इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ रहेगा। यहाँ पे आपको जितनी नोटिफिकेशन अभी बताई उसकी जो वार्निंग वगैरह है वो यहाँ से मिलती है। माइक की प्लेसमेंट यहाँ पर रहेगी। कैबिन लाइट एलईडी बेस्ड जो है अपना रहने वाला है। सनरूफ जो है वो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, वन टच ओपनिंग वन टच क्लोज के फीचर के साथ। ये आप व्यू जो है वो चेक कर सकते हो, वन टच ओपनिंग के साथ में रहेगा। काफ़ी बड़ा सनरूफ जो है वो आपको सफारी ऑफर कर देती है। ये आप इसकी कंप्लीट ओपनिंग चेक कर सकते हैं। सनरूफ को क्लोज करते हैं तो ये अपना इसकी कंप्लीट जो क्लोजिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा को ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है ये आपको ब्लैंक मिल जाएगा। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि फिक्स टाइप का रहने वाला है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, कुछ इतने स्पेस के साथ ही आपको मिल जाता है। और यहाँ पे टैबलेट स्टोरेज वगैरह की जगह जो है वो मिल जाती है। बात करें अगर हम सीट्स की तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट जो है वो प्रोवाइड करी जाती हैं, जो कि ग्रे टोन में अपना रहने वाली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके की। और यहाँ पे क्या कुछ रहेगा, सबसे पहले यहाँ से आप इसको रिक्लाइन को एंगल को सेट कर सकते हैं। यहाँ से हाइट को अप एंड डाउन करने का जो फीचर है वो आपको मिल जाता है, और यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए लीवर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। मूव करते हैं कार के सेकंड रो में, और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। सेकंड रो के डोर की ओपनिंग जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितनी कुछ रहने वाली है। और फ्रंट की तरह ही यहाँ पर भी आपको जो है फैब्रिक फिनिश प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्ट टच के साथ में। साइड लोको बटन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ है। पावर विंडो कंट्रोल बटन सिल्वर इंसर्ट आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्पेस है, यहाँ पे बोतल होल्डर, और यहाँ पे आपको जो स्पीकर है उसकी प्लेसमेंट मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। ये सीट 60:40 स्पीड डाउन फीचर के साथ है, तो इस सीट को आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। सेम है उस सीट को भी फोल्ड जो है वो किया जा सकता है। बाकी स्पेस आपको काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। साइड एसी वेंट की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पे आप देखोगे सेंटर में यहाँ पे फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है। चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, एक सी टाइप और एक अपना यूएसबी टाइप आपको मिल जाता है। दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स हैं अपना एलईडी बेस्ड कैबिन लाइट के साथ। यहाँ पर भी आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा, लाइट इस तरीके से जो है वो अपना ऑन और ऑफ हो जाती है। सफारी के अंदर एक अच्छा फीचर आपको ये भी मिल जाता है कि अगर आप पीछे की साइड में बैठे हुए हैं और ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इस सीट को अगर आपने आगे करना है तो आप यहीं से ही जो है पीछे बैठे बैठे ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा जिसको आप इस तरीके से पुल करेंगे और आगे की तरफ जो है इसको स्लाइड आप कर सकते हैं, तो आपके पास स्पेस वगैरह जो है वो मिल जाएगा। ड्राइवर को बिना इंटरप्ट करे आप इस सीट को जो है आगे पीछे अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। इसी के साथ ड्राइवर साइड में भी आपको एक लंबा सपोर्ट का लीवर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस लीवर को आप पुल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक अच्छा कम्फर्ट जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आपको जो है एक लीवर प्रोवाइड किया गया है जिसको आप यहाँ पे पुल करके आगे की तरफ जो है वो स्लाइड कर सकते हैं। कुछ तरीके से जो है
कंप्लीट अपना ये रहने वाला है, ये अपना सीट जो है टंबल हो चुकी है। अब आप जो है वो थर्ड रो में इजिली एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। थर्ड रो में क्या कुछ मिलने वाला है अगर हम उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे, थर्ड रो के अंदर भी आपको जो है वो रियर एसी वेंट के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं, फ्लो वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं, जगह मिल जाती है कप होल्डर्स के लिए, एसी वेंट की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको जो है चार्जिंग पोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं कुछ इस तरीके से। थर्ड रो में भी कैबिन लाइट आती है जो कि अपनी एलईडी बेस अपना रहने वाली है, कंप्लीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गई बात कंप्लीट, यहाँ पे आप चेक करोगे दोनों ही एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट आते हैं और 50-50 स्पीड डाउन फीचर के साथ जो सीट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। स्पेस वगैरह की बात करें तो स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इतना स्पेस जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों बारी है अब इस कार के बूट को चेक करवाने की, तो बूट एक्सेस करने के लिए आपके पास जो है यहाँ पे एक बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा, इस बटन को प्रेस करके जो है वो आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। ये अपना बूट ओपन हो चुका है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी 7 सीटर लेआउट में गाड़ी रहने वाली तो इतना ही स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट बूट स्पेस की ज़्यादा है और पैसेंजर आपके पास कम है तो आप इस सीट को जो है यहाँ पे एक अरेंजमेंट मिल जाएगा, इसकी हेल्प से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये अपना लॉक अनलॉक हो चुका है और आपको आगे की तरफ पुल करना है तो ये अपना कंप्लीट जो है वो फोल्ड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इस सीट को भी आप जो है फुल फोल्ड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको टूल वगैरह की जो जगह है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ पर अपना टूल वगैरह रख सकते हैं और जो स्टेपनी टायर है उसकी प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बूट में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबवूफर की जगह मिल जाती है, आप इंस्टॉल करवा सकते हो, इस मॉडल के अंदर नहीं आता है। और इस साइड में जो है वो आप चेक कर सकते हो कम्प्लीट ब्लैंक ही रहने वाला है। बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन और उसके स्पेसिफिकेशन की, तो आपको जो है यहाँ पर 2 लीटर का जो इंजन है वो ऑफर किया जाता है जो कि एक टर्बो डीजल इंजन है। ये इंजन 125 किलोवाट की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करके आपको देता है। रही बात इस कार के प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस कार का शोरूम कॉस्ट आता है 21,79,000 रुपीज़ का। अगर आपको इस कार पे बेस्ट डील चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं TPS कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में, या फिर आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस कार की अदर डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शन, सेफ्टी फीचर्स और माइलेज वगैरह को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।